हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्वाति सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। तो आज हम करेंगे सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 4 जो कि है द एनिमी। ठीक है, आज हम करेंगे इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्रश्न से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद से चैप्टर एंड हो जाएगा। और शॉर्ट आंसर की वीडियो भी जिसने नहीं देखी वो भी देख लेना यार, वो भी हमने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपना। हु वॉज द जनरल, यानी जनरल कौन था। वाई एंड हाउ वॉज डॉक्टर सदाव क्लोज टू हिम, डॉक्टर सदाव उसके क्यों और कैसे क्लोज थे। हाउ डिड ही प्रॉमिस टू हेल्प डॉक्टर सदाव, और जो जनरल था उसने डॉक्टर सदाव से क्या वादा किया था, उसकी वो हेल्प कैसे करेगा। वॉज हिज प्रॉमिस फुलफिल, क्या उसने अपना वादा पूरा किया। वाई आर नॉट, वाई नॉट, किया तो कैसे किया, नहीं किया तो कैसे नहीं किया, क्यों नहीं किया, हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ओके, तो ये आपका आंसर। इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था कि हु वाज द जनरल, तब लिख दो कि द जनरल वाज द ओल्ड आर्मी चीफ ऑफ जापान, जो जनरल था वो जापान का आर्मी चीफ था। ठीक है, ओल्ड आर्मी चीफ था। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर सदाव और जो जनरल था वो दोनों एक दूसरे के क्लोज कैसे थे और क्यों थे। तो आप लिखोगे डॉक्टर सदाव वाज क्लोज टू हिम, इन जो डॉक्टर सदाव थे उस जनरल के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। बिकॉज द ओल्ड जनरल वॉज नॉट कीपिंग गुड हेल्थ एंड कुड रिक्वायर ए सर्जरी एनी टाइम, क्योंकि जो जनरल था उसकी हेल्थ बहुत अच्छा रह नहीं रहा था और उसे किसी भी टाइम सर्जरी की जरूरत हो सकती थी, किसी भी टाइम से सर्जरी की आवश्यकता हो सकती थी। ठीक है, और जो डॉक्टर सदाव थे वो कहते हैं वो एक सर्जन थे और ये उनका पेशेंट था डॉक्टर, जो जनरल था डॉक्टर सदाव का पेशेंट था जनरल, तो इसलिए ये दोनों कहते हैं दूसरे के बहुत ही क्लोज थे। दैट्स वाई सदाव वाज नॉट सेंट विद द ट्रूप्स अब्रॉड, और यही कारण था कि देखो ट्रूप्स का मतलब क्या होता है, सेना की टुकड़ी। ठीक है, जो एब्रॉड का मतलब होता है क्या होता है, विदेश। ठीक है, इसी कारण डॉक्टर सदाव को सेना के साथ विदेश नहीं भेजा गया था। ठीक है, जो सेना का एक टुकड़ी थी उसके साथ विदेश उन्हें नहीं भेजा गया था। देखो ये बात तब की है जब जापान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था, तो उस समय भाई जो हमारे जो सोल्जर उस टाइम जो जापानीज सोल्जर थे वो बाहर जाके भी युद्ध कर रहे थे। ठीक है, एब्रॉड में भी, विदेश में भी। ठीक है, और जब भी कोई सोल्जर की एक टीम भेजी जाती है बाहर, तो उनके साथ डॉक्टर की भी टीम भेजी जाती है, ताकि मतलब कोई सोल्जर अगर जख्मी हो जाए तो वो उनका ट्रीटमेंट कर सके। डॉक्टर सदाव भी एक डॉक्टर थे, उनको भी भेजा जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं भेजा गया था, क्योंकि जो डॉक्टर सदाव थे बहुत ही काबिल सर्जन थे और जो जनरल साहब थे उनकी हेल्थ ख़राब रह रही थी, किसी भी टाइम सर्जरी की जरूरत हो सकती थी उन्हें। इसलिए हुआ कि डॉक्टर सदाव नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर सदाव नहीं जाएंगे हमारे, अगर हमको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर सदाव ही तो करेंगे ना, और कौन करेगा, इसलिए उनको नहीं भेजा गया था विदेश। ठीक है, आगे क्वेश्चन रहता है आपका, हाउ डिड ही प्रॉमिस टू हेल्प डॉक्टर सदाव, और जो जनरल थे वो डॉक्टर सदाव को क्या हेल्प करने के लिए कहे थे, मतलब वो कहे थे कि हाँ डॉक्टर सदाव हम आपकी हेल्प करेंगे, तो उन्होंने कैसे हेल्प करने का वादा किया था उनसे। लेकिन इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि डॉक्टर सदाव को प्रॉब्लम क्या थी, वे प्रॉब्लम होगी तभी तब उसका सलूशन होगा, तभी तब आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो आप पहले समझिए कि उनको प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो डॉक्टर सदाव थे उन्होंने अपने, वो क्या कर रहे थे, एक अमेरिकन सोल्जर का ट्रीटमेंट कर रहे थे, क्योंकि उसे ट्रीटमेंट की जरूरत थी, जिनके घर के बाहर आके गिर गया था एक अचानक से एक ऐसा हुआ था इंसिडेंट, उनके घर पे बाहर एक अमेरिकन सोल्जर आगे गिर गया था जिसे बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत थी, और वो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे एज ए डॉक्टर, लेकिन वो तो अमेरिकन था, उनका दुश्मन था। उन्हें बहुत सारे उनके घर के जो नौकर थे वो कह रहे थे कि ये हमारा दुश्मन है, इसे डॉक्टर साहब की इनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो जो डॉक्टर सदाव थे वो दुविधा में फंसे हुए थे कि हम इसकी हेल्प करें ना करें, उसे मार भी नहीं पा रहे थे और डॉक्टर होने का अपना मार भी नहीं पा रहे थे, तो उन्हें गिल्टी हो रही थी कि हमारे दुश्मन, मैं अपने दुश्मन की जान बचा रहा हूँ, और उसे मार इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो डॉक्टर थे, उनका फ़र्ज था दूसरों की जान बचाना, इसलिए उसका ट्रीटमेंट भी कर रहे थे। तो क्या था, बहुत ज़्यादा दुविधा में फंसे हुए थे, और यही बात उन्होंने जनरल को बताई। तो जनरल ने उनसे क्या प्रॉमिस किया कि वो उसकी हेल्प कैसे करेंगे, अब उसके बारे में। ठीक है, आप लिखोगे ही प्रॉमिस टू हेल्प डॉक्टर सदाव बाई सेंडिंग हिज प्राइवेट असिस्टेंट्स टू किल दैट मैन एंड रिमूव हिज बॉडी। अब इसे समझो, ये बहुत मस्त है। वो डॉक्टर, जो डॉक्टर सदाव थे, जनरल ने उनसे कहा ठीक है तुम उसे नहीं मार पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगा, अपने कुछ प्राइवेट असिस्टेंट, मतलब अपने कुछ प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट साथियों को भेजूंगा तुम्हारे घर पे, वो उसे मार देंगे और उसकी बाली को भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्योंकि तुम तो मार नहीं पा रहे हो तो हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे ऐसे। अच्छा, आगे पे क्वेश्चन रहता है, वाज हिज प्रॉमिस फुलफिल, क्या जो जनरल थे उन्होंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, अगर किया तो क्यों किया, हमें भी बताना। ठीक है, तो आप लिखोगे हिज प्रॉमिस वॉज नॉट फुलफिल्ड, उन्होंने अपना प्रॉमिस नहीं पूरा किया, कहे थे कि मैं घर पे भेज देंगे अपने कुछ प्राइवेट असिस्टेंट्स, लेकिन वो नहीं भेजे थे।
ठीक है, क्यों नहीं किया भाई, रीजन तो होगा ना कुछ भाई, वादा किए हैं लेकिन नहीं निभा रहे हैं, क्यों नहीं निभा रहे हैं इसके बारे में तो बताना ही होगा। तो बिकॉज द जनरल थॉट ऑफ नथिंग बट हिमसेल्फ एज ही वॉज सफरिंग ए ग्रेट डील, क्योंकि जो जनरल थे वो अपने अलावा और किसी के बारे में सोच नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम क्या उनको सर्जरी हुई थी उनकी तुरंत की, और इसके कारण बहुत ज़्यादा वो पेन में थे, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे अपने पेन से, इस कारण क्या था सिर्फ अपने बारे में सोच पा रहे थे और किसी भी चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रहे थे। ही कन्फेस्ड दैट इट वॉज केयरलेस ऑफ हिम बट इट वॉज नॉट हिज लैक ऑफ पेट्रोटिज्म। तो डॉक्टर सदाव पूछ रहे थे कि आपने कहा था आपने क्यों नहीं भेजा हमारे घर पे, तो उन्होंने कहा कि देखो हाँ ये हमारी लापरवाही तो है, माना कि हाँ ये हमारी केयरलेस है, हमारी लापरवाही है, लेकिन इससे हमारे पेट्रोटिज्म में, हमारी देशभक्ति में कोई भी कमी नहीं है, उसमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में थे इस कारण सोच नहीं पाए, और तुम्हारी भी देशभक्ति में कोई भी कमी नहीं है क्योंकि तुम अपना फर्ज निभाए हो, ऐसे करके मैटर क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो जो चैप्टर पढ़ा होगा ना पूरी कहानी जिसने पढ़ी होगी उसको तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा यार पढ़ लेना, बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अपने। हाउ डिड डॉक्टर सदाव प्लान टू गेट रिड ऑफ टॉम द वाइट मैन एन अमेरिकन, डॉक्टर सदाव ने क्या प्लान बनाया कि वो जो टॉम था जो कि एक अमेरिकन था, वाइट मैन था, उसे छुटकारा कैसे पाएंगे, रीड मतलब होता है छुटकारा पाना, उसे कैसे छुटकारा पाएंगे, भाई अपने घर में रख रखे थे जिसे सब लोग परेशान थे क्योंकि वो उनका दुश्मन था, तो क्या प्लान बनाया कि उसे कैसे छुटकारा पाना है हमें। व्हाट वाज थिंकिंग ऑफ द प्रिजनर ऑफ डॉक्टर सदाव, यानी जो प्रिजनर था, प्रिजनर मतलब कौन, जो टॉम था उनके घर पे कैदी, वो कैदी तो था, भागा हुआ था जेल से, तो प्रिजनर जो था वो डॉक्टर सदाव के बारे में कैसा थॉट रखता था, कैसा विचार रखता था, व्हाई ही एस्केप्ड, क्या वो बच पाया, यस आर नो एक्सप्लेन, हाँ या ना, हमें ये एक्सप्लेन करना है। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप लिखोगे डॉक्टर सदाव प्लान टू गेट रिड ऑफ टॉम द वाइट मैन एन अमेरिकन, डॉक्टर सदाव ने प्लान बनाया कि वो उस टॉम से छुटकारा पा लेंगे। ही सेक्रेटली सेंट हिम टू एन आइसोलेटेड आइलैंड विथ फूड, बॉटल वाटर, क्लोथ्स, ब्लैंकेट एंड हिज ओन टॉर्च लाइट ऑन ए बोट फ्रॉम वेयर ही बोर्डेड ए कोरियन शिप टू फ्रीडम एंड सेफ्टी। अब समझो जो डॉक्टर सदाव थे बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो चाहते नहीं थे कि टॉम को मार दे, ठीक है, वो उसे जिंदा देखना चाहते थे इसलिए, और उसे अपने घर में भी नहीं रख सकते थे क्योंकि वो अमेरिकन था, तो दिक्कत आ जाती उन्हें भी क्योंकि उस टाइम अमेरिका और जापान का वार चल रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो एकदम सीक्रेटली बहुत ही रहस्यमय तरीके से वो उस टॉम को क्या किए एक आइलैंड पे भेज दिए, आइसोलेटेड आइलैंड, यानी कि उस आइलैंड पे जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, ठीक है, और ऐसे ही नहीं भेजे उसको, उन्होंने फूड दिया, बोटल वाटर दिया, मैंने वाटर बोटल दिया, क्लोथ्स दिए, ब्लैंकेट यानी कंबल दिया, एंड हिज ओन टॉर्च लाइट, और अपना खुद का टॉर्च लाइट भी दे दिया क्योंकि अंधेरे में उसे काम आएगा, ऑन ए बोट, और बोट दिया, बोट से तैर के तो आइलैंड पे जाएगा ना, फ्रॉम वेयर ही बोर्डेड ए कोरियन शिप टू फ्रीडम एंड सेफ्टी, जहाँ वो उन्होंने कहा कि तुम देखो इस वो जो आइलैंड है वहाँ पे मैं तुम्हें बोट और ये सारे सामान दे दे रहा हूँ, वहाँ पे तुम चले जाओ और वहाँ पे जाकर तुम कोरियन शिप का क्या करना, वेट करना, और कोरियन शिप आए तुम उनसे मदद मांगना और फिर तुम आज़ाद हो जाओगे, सुरक्षित हो जाओगे, उनके साथ चले जाओगे, तो ठीक है। और अब आगे क्वेश्चन रहता है इसी में कि व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ द प्रिजनर फॉर द डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव के लिए प्रिजनर क्या सोचता था, उसके मन में उनके लिए कैसी भावना थी, तो आप लिखोगे द प्रिजनर थॉट ऑफ डॉक्टर सदाव डेट ही वॉज द गॉड फॉर हिम। देखो कहा भी जाता है जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, तो प्रिजनर भी ये सोच रहा था कि डॉक्टर सदाव उसके लिए भगवान के समान है क्योंकि वो जो टॉम था वो डॉक्टर सदाव को उस हालत में मिला था जब वो बहुत ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा जख्मी था, अगर डॉक्टर सदाव उसका इलाज नहीं किए रहते तो मर जाता, तो इसलिए वो प्रिजनर सोच रहा था कि डॉक्टर सदाव उसके लिए भगवान के समान है। ठीक है, इफ़ ही हैड नॉट मीट टू हिम, वही मैं जो मैंने आपको बताया कि वो सोचता है कि अगर मैं उनसे नहीं मिला होता ही वुड नॉट बी अलाइव टूडे, तो आज मैं जिंदा नहीं रहा होता। ही गैस इफ़ ऑल द जैप्स वीयर लाइक हिम, जब यहाँ पे जापनीज जैप लिख सकता आपकी मर्जी, ठीक है, उसने सोचा कि अगर काश सारे जापनीज इनकी तरह होते, डॉक्टर सदाव की तरह होते, देयर वुड नॉट हैव बीन ए वॉर, तो कोई भी वार की जरूरत नहीं होती, हम लोग सब शांति से रहते, ठीक है, ऐसा वो सोच रहा था। ठीक है, और आगे क्वेश्चन रहता है आपका कि वाज ही एक्सेप्ट, क्या वो बच गया, तो आप कहोगे यस ही एक्सेप्ट, हाँ वो बच निकला। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए कहा है कि वो कैसे बचा है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो एज डॉक्टर सदाव सेड देर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, तो डॉक्टर सदाव ने कहा था कि देखो
जब उन्होंने कहा था कि तुमने रात में, जब रात का भी एकदम रात भी ना हुई हो और दिन भी ना, यानी शाम के टाइम में तुम क्या करना, टॉर्च, दो टॉर्च ऐसे जला के बता देना, मैं समझ जाऊँगा कि अभी भी तुम वहीं पे हो। जब उन्होंने देखा कि उस आइलैंड से कोई भी टॉर्च की रोशनी नहीं आ रही है, तो उन्होंने समझ गया कि हाँ वो चला गया है कोरियन शिप के साथ। ठीक है, आगे आप लिखोगे नो वन वाज ऑन द आइलैंड, उस आइलैंड पर कोई नहीं रह गया था, हिज प्रिजनर वाज गॉन सेफ डाउटलेस, उनका जो प्रिजनर था वो निसंदेह सुरक्षित चला गया था, फॉर ही हैड वॉर्न हिम टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि उन्होंने वार्न किया था कि तुम वहाँ पे सिर्फ कोरियन बोट का ही, जो कोरियन फिशिंग बोट, जो कोरियन आदमी जो थे, जो कोरियन लोग आते थे फिशिंग करने के लिए, सिर्फ उसी बोट का तुम इंतजार करना, उनसे तुम मदद मांगना और उसके बाद तुम क्या हो जाओगे, सेफली चले जाओगे अपने घर पे। तो उन्होंने देखा कि हाँ वहाँ से कोई भी टॉर्च की लाइट नहीं आ रही है, यानी कि वो सुरक्षित ही चला गया है अपने घर पे। ठीक है, और इस तरह से क्या हुआ था, टॉम की जान बच गई, वो चुपचाप अपने, मतलब सेफली अपने घर पे चला गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये चैप्टर आपका डायनेमिक द एंड हो गया, डायनेमिक द एंड। अच्छा, आगे एक और सुन लो हमारी, क्या करना है कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, तो करना ही है। और आपको अगर कोई भी और चैप्टर से कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता देना, और कोई और सब्जेक्ट से चाहिए जैसे मैथ, फिजिक्स या फिर हिंदी या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट है तो उस पर मुझे बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।